सो हेलो, पिछले क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था कि कॉनिक सेक्शन कैसे बनते हैं, कौन से। अगर आप उस कॉनिक सेक्शन को एक प्लेन से काटो, मतलब एक कोन, राइट सर्कल कोन को यदि आप अलग अलग तरीके से आप काटो एक प्लेन से, तो आपको डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस मिलते हैं, जिसमें कि सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। तो अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल में एक एग्जाम्पल और लेते हैं पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। सो सवाल है आपके पास कि फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी ऐसे सर्कल, ऐसे वृत्त की इक्वेशन बतानी है आपको जो कि 0,0 से होके गुजरता हो, ठीक है, उसकी सर्कमफ्रेंस, एंड वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ए और बी इंटरसेप्ट्स बना रहा है। इसका डायग्राम बनाना पहले महत्वपूर्ण है कि उसके बिना सवाल इमेजिन करना मुश्किल है। तो मान लिया कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारा एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से भी होके गुजर रहा है और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी। यानी कहने का मतलब है ये ओरिजिन से होके गुजर रहा है, ओरिजिन, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा आपका 1,0 और ये वाला पॉइंट होगा आपका 0,b। ऑलराइट, तभी तो इंटरसेप्ट बनेगा ना। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हुआ, ए हुआ, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ बी, और ऑरिजिन से होके भी गुजर रहा है, तो ऐसा एक सर्कल बनेगा। और हम ये नहीं कह रहे कि ए और बी बराबर है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा। और अब इस केस में हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो इस केस में हमें या तो हम क्या करें, जनरल इक्वेशन मान लें सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। उसमें तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल कैसे हैं, एफ, जी और सी। आपके पास तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तीन पॉइंट्स कौन से दिए हुए हैं, 0,0, 1,0 और 0,b। तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, ए आपको दिया हुआ है ना, बी भी आपको दिया हुआ है। तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, यानी तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। पर वो बहुत ही लंबा मेथड है, तीन बड़ी बड़ी इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना आपको आसान नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हमें सर्कल निकालने की दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और आर है आपकी रेडियस। तो काफी आसान है इस केस में। अगर आप देखो, अगर आप उसका सेंटर मानो कहीं यहाँ कहीं होगा, सेंटर का यहाँ कहीं होगा सी, और हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे, तो ये देखिए जो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ओ है एक्चुअली सर्कल की कॉर्ड है, और यदि हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दें तो वो कहाँ कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये हम जानते हैं। सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये ओए दूरी ए थी, तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे पड़ा है वो कितना होगा, ए बाई टू कॉमा जीरो। अगर ये पॉइंट ए बाई टू कॉमा जीरो है, यानी सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बाई टू। या अगर ये पॉइंट ए बाई टू कॉमा जीरो है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए ये डी पॉइंट है और इससे मैंने यहां भी परपेंडिकुलर डाला और ये मान लेते हैं ई पॉइंट है, तो मैं जानता हूं जो डी का कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए बाई टू कॉमा जीरो, और जो ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब ई जो है परपेंडिकुलर है सेंटर से, वो किस किस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो ओबी को, ओबी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ओई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा, यानी ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,b/2। और डी और ई के कोऑर्डिनेट्स को देख के बोल सकता हूं कि जो सी होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। यानी इस तरीके से मैंने इस सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने आसानी से ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। और रेडियस निकालना काफी आसान है। रेडियस क्या होता है, उस पॉइंट की जो सर्कल के सेंटर है उस पॉइंट की किसी भी सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट से दूरी। तो या तो आप सी की ए से दूरी निकाल लो, चाहे आप बी से दूरी निकाल लो, चाहे आप ओ से दूरी निकाल लो, वो रेडियस तो सेम ही आनी है, पर मैं ओ से निकालूंगा बिकॉज उसमें मेरे को कैलकुलेशन करना और सिंपल पड़ेगा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा आपका। तो मैं निकाल लेता हूँ रेडियस क्या होगा। रेडियस होगा मेरा ओ सी, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने निकाला है, ए बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर। यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हो जाएगा 2। यानी आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स नॉट वाई नॉट और रेडियस भी आ गया। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगी रूट, अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सर्कल की। तो इसमें इस सवाल में आपको जो आपके पुराने आपके कॉन्सेप्ट सीखे हैं स्कूल में नवी दसवीं कक्षा में उनको भी आपने अमल में लाया है। नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं हम वो है पैराबोला। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सारे कॉनिक सेक्शन बेसिकली एक लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और लोकस होता है वो सभी पॉइंट्स का सेट जो कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे सर्कल के केस में था द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे है जो है पैराबोला, पैराबोला बेसिकली इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज इक्वल। ठीक है, यदि आपको एक फिक्स्ड लाइन दी हुई है और कहीं कोई फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है जो कि इस लाइन पर नहीं है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दूरी उस पॉइंट से भी और उस लाइन से भी आपकी सेम हो, उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, डायग्राम में बनाता हूँ आप। सो अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी लाइन ले लेता हूँ, ये मेरी एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरी फिक्स लाइन है, इसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और एक और पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पॉइंट है, कोई फोकस है ये पॉइंट, इसको एफ से लिखते हैं हम लोग। सो अब मुझे ऐसा देखना है कि यार ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे जो कि जिनकी दूरी इस फोकस से और लाइन से दोनों से सेम होगी। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को मैं बोलूंगा पैराबोला। सो एक पॉइंट जो मुझे साफ साफ दिख रहा है इनके बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसकी दूरी फोकस से और लाइन से सेम होगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट एक आएगा जिसकी दूरी इस फोकस से और इसकी दूरी इस लाइन से आपकी सेम होगी, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी होगी। ऐसे और भी पॉइंट्स आएंगे खूब सारे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा जिसकी दूरी इस लाइन से, मतलब यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं पा रहा है आप समझिए, जिसकी दूरी इन दोनों से सेम होगी बेसिकली, ये बराबर ये होगा। इस तरह से कई सारे पॉइंट्स आएंगे ऊपर, और जैसे जितने ऊपर आएंगे उतने नीचे भी आएंगे सिमेट्री की वजह से। यानी अगर आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ोगे ना तो आप देखोगे जो कर्व बनेगा वो बनेगा पैराबोला। ठीक है, इस तरीके से ये पैराबोला है, ये जो पॉइंट होता है जिसको जो लाइन और फोकस के जस्ट बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वी यहाँ पे एक वर्टेक्स है, और एक ऐसी लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर गुजरती हो उसको हम बोलते हैं एक्सिस, यानी ये हो गई हमारी एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलो। तो ये वी है, ये वी वर्टेक्स है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद दी एक्सिस, एंड जिस पॉइंट पे आपका एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका वर्टेक्स। ठीक है, पैराबोला ये शेप जो है रेड कलर में, इसको पैराबोला बोल रहे हैं, और ये पैराबोला जहां एक्सिस को काटेगा वो होगा आपका वर्टेक्स। ठीक है, यानी अगर मैं जनरली जब भी मैं लोकस निकालता हूं मैं उस पॉइंट को पी मानता हूं, उसे कोऑर्डिनेट्स में मानता हूं एच कॉमा के। ठीक है, सो यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है और ये आपकी दूरी पी एफ हो गई, और मान लीजिए मैं यहां से कोई एक डाल देता हूं, एक परपेंडिकुलर मैंने डाला, मान लीजिए दूरी मेरी, मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मेरी दूरी है, ये परपेंडिकुलर का पॉइंट बोल दिया मैंने एन, यानी यहां पे क्या होगा पी एफ बराबर पी एन, और ऐसा ऐसा पैराबोला के हर आने वाले पॉइंट पे होगा, चाहे पैराबोला पे कोई पॉइंट हो पी, उसकी दूरी एफ से और उसकी उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस लाइन से वो आपका सेम होगा। तो डिस्टेंस हमेशा जब भी बात कर रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे। तो ये यहाँ पे यहाँ रखना है, ये जनरल पॉइंट पी है। सो अब ये आपने को समझा दिया कि कर्व कैसे आता है, ये कॉनिक सेक्शन ऐसा क्यों होता है, लोकस क्या है। अब जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था उसकी इक्वेशन निकालना सीखा था हमने, तो इस केस में भी हम उसकी पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं पैराबोला की। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, और वो मैं बताता हूँ कैसे होता है वो पैराबोला। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, और जो मेरी फिक्स लाइन होती है जो मैं कंडीशन मैंने बोली है वो मान लीजिए मेरी है एक्स इक्वल टू माइनस ए। मैं ऐसा इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको इसे स्टैंडर्ड पैराबोला में दिया हुआ है, ये आपकी जो फिक्स लाइन है ये वाला पॉइंट होगा आपका माइनस ए कॉमा जीरो,
और इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू माइनस ए। हम जानते हैं वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू समथिंग होती है राइट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए रहेगा हर पॉइंट का, यानी ये लाइन होगी एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये इस केस में आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। और फोकस मान लेते हैं हम आपका जो एफ है वो यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो मैंने ऐसा मान लिया, यानी ये फिक्स पॉइंट है आपका, ये आपका, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा ही, मैंने बेसिकली स्टैंडर्ड निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को फोकस को भी मैंने स्टैंडर्ड कर दिया, भाई यही लेना है। बाकी बाय डेफिनेशन अगर मैं जाऊंगा तो ये लाइन और पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं 2D में, और जरूरी नहीं है वर्टिकल लाइन हो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, आपकी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, बट पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो यही रहेगी, उस लाइन से उस पॉइंट से समान दूरी रखने वाले पॉइंट्स का कलेक्शन। यहाँ पे स्टैंडर्ड केस लिया है, मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। इस केस में यदि आप डायग्राम बनाओगे, अगर आपने पैराबोला का, तो आप देखोगे आपका वर्टेक्स कहाँ आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा 0,0 पे, यानी ये आपका वर्टेक्स होगा जो ओरिजिन होगा, और क्योंकि बिल्कुल दोनों से बराबर दूरी पर आना चाहिए इसको, और एक्सिस कौन सी होगी आपकी, एक्स एक्सिस आपकी एक्सिस बन जाएगी, और पैराबोला कुछ आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिक होगा ये पैराबोला, जैसा एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि कोई ना सिमेट्रिक ना होने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। और इस पैराबोला की इक्वेशन हम निकालेंगे, ये निकल के आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक्स पे जाऊंगा, मैं मान लेता हूँ कोई भी पॉइंट जो मेरा लोकस में है उसको, एक पॉइंट मैंने मान लिया लेट से पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एच कॉमा के, तो मैं जो कंडीशन दी होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा, एंड में एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दूंगा। तो कंडीशन ये होती है कि पी की जो दूरी है एफ से वही बराबर होगी जो पी की दूरी है लाइन से, राइट। यानी ये दूरी है, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा बी और ये एफ है, यानी ये दूरी बराबर दी हुई है आपको ये दूरी, हालांकि डायग्राम में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है और आप समझिए कि है, क्योंकि पैराबोला एग्जैक्टली मैंने हाथ से बनाया हुआ है। सो यहाँ पे कंडीशन जो होती है पैराबोला की वो है पी एफ इज इक्वल टू पी बी, और जो पी एफ की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी एच, अगर पी एफ इज इक्वल टू पी बी है तो क्या होगा, पी एफ हो जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर की अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला है मैंने ये। पी बी कितना होगा, पी बी या तो मैं दो तरीके निकालने के, मैं जानता हूँ किसी पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालना होता है ना, क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछले चैप्टर में मैंने सीखा था एक पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, पर हालांकि इस केस में जरूरत नहीं है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की, बिकॉज मुझे पता ही है क्योंकि ये मेरी दूरी कितनी होगी ए, बिकॉज लाइन की इक्वेशन क्या है माइनस ए है ना, तो ये दूरी तो हो गई ए, और ये दूरी कितनी होगी क्योंकि पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एच है राइट। यानी अगर मान लो ये इस वाले पॉइंट का बोलता हूँ ए, ठीक है, तो बेसिकली पी बी क्या होगा, पी बी होगा मेरा पी ए प्लस ए बी राइट, ए बी मुझे पता है ए है, और पी ए किसके बराबर होगा एच के, बिकॉज वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा राइट, उतनी तो दूरी होगी एक्स पे। यानी ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा एच प्लस ए, ऑलराइट। चाहे तो आप इस वैसे जो अपना स्ट्रेट लाइन हमने मेथड पढ़ा था किसी पॉइंट से निकालेंगे उससे भी निकालेंगे तो आपका एच प्लस ए ही आएगा, आप करके देख सकते हैं, पर क्योंकि इसमें सीधे सीधे मुझे दिख रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अब मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर मैं खोल देता हूँ सारे, यानी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एच ए प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एच ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है, और इस टू एच ए यहाँ जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर बन जाएगा फोर एच ए, यानी फोर ए एच भी लिख सकता हूँ मैं, और फिर मैं क्या करूँगा एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दूंगा, यानी ये बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। ऐसे सभी पॉइंट जो ये कंडीशन फॉलो करेंगे वो इस कर्व पे आएंगे।